हरि ओम स्वामी जी। ओम बेटा। बाबा मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी, 2011 की बात है, मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे एक दो से करते करते मैं 10th 11th में आई, तब तक 50% तक बाल सफ़ेद हो गए, रूट से लेके लेंथ तक के, मतलब पूरे लंबे के लंबे चमकीले और वाइट कलर जैसा। इतने भयंकर सफ़ेद, पूरे के ऊपर से नीचे तक पूरे सफ़ेद। अभी हमारे ये बेटी ने जो बात बताई है ना कि पूरे ऊपर नीचे जड़ से लेके आगे तक पूरी लेंथ वाइट, बुढ़िया जैसी, इसको खराब लगता होगा। बताओ, अब छोटी सी उम्र, उम्र कितनी थी बेटा उस समय? 16 साल हो गए। 16 साल की उम्र में अब इसके बुढ़िया जैसे बाल हो गए गुड़िया के। फिर मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, 10-10 मिनट करती थी, अनुलोम विलोम और कपाल भाती। 10-10 मिनट कपाल भाती, अनुलोम विलोम किया बेटा, और आंवला एलोवेरा और गिलोय का जूस, ये तीनों रेगुलरली पीते थे। आंवला एलोवेरा और गिलोय, तीन चीज पीती थी। तो बाबा ऐसे करके धीरे धीरे 2019 तक आते आते बाल मेरे ठीक हो गए। कितने साल लगे टोटल? 3। 16 से शुरू किया, 11 से शुरू हुए थे सफेद होना। तो 19 तक आते आते बाबा ठीक है, आप बस एक दो मिल जाएंगे अगर ढूंढेंगे। एक दो ढूंढने से मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये कोई इसने कलर लगा के बाल सफेद नहीं कर रखे। अभी उम्र कितनी हर्षि बेटा? बाबा अभी 23 साल की उम्र। 23 साल की उम्र है। अब ये पहला अनुभव मैंने सुना तो मैंने कहा कल हर्षि ने उधर खेत में, कल योगा चल रहा था कि आओ दूसरी वापस योग आयुर्वेद निसर्ग की और प्रकृति की और मूल संस्कृति की ओर लौटो। तो इस बेटी ने बताया, मैंने कहा बेटा तेरे को क्या लाभ हो? बोली थी मेरे को कोई बीमारी तो नहीं स्वामी जी, लेकिन अचानक किसको ध्यान है मेरे तो बाल सफ़ेद थे। तो जब जब सबने अपने अपने लाभ बता रहे थे तब इसको अपना याद आया। तुम्हारी अम्मा कहाँ खड़ी हो? तेरी तेरी अम्मा को क्या लगता था हा? तेरी जब बेटी के बाल सफ़ेद हो गए थे, लड़की के बाल ऐसे खराब हो गए, ये रोती थी किसका ब्याह कैसे होगा। वही सबसे पहले तो यही सोचती है, बताए तो करो इलाज, कुछ करो इलाज, ऐसा कर करके वो लोग को बोलती थी रोज का कि कुछ करो, ये टीवी में। फिर ये आंवला एलोवेरा पीने की और योग की प्रेरणा कैसे हुई? आंवला एलोवेरा जब से आया मुंबई में तब से हम लोगों ने चालू कर दिया था। जब से आया तो तब से घर में पीते थे, तो ये भी पीने लग गए। सब घर में वही सामान वापरती और वही सामान सबको पिलाती हूँ सुबह 5 बजे उठा के बाबा जी। अच्छा, सारे कुनबे को लाइन पे लगा रखा अम्मा ने? घर में सबको पिलाती हूँ, सबके लिए गर्म पानी और दवाएं सबको बना के कप में भर भर के रख, काढ़े भर भर के देती है मैया सबको। ये इसलिए मैं कहा था माँ बहन बेटियों ने बहुत प्रचार किया कि बेटा बाबा जी बता रहे हैं ये तो पी ले, कुछ नाक मुंह सिकोड़ते हैं कर ले बेटा पी ले, कोई मैं बना के दे देती हूँ। मैं बना के पिलाती हूँ तो तुम लोग पी लो, जो कराती हूँ वो तो कर लो, ऐसा करके वो लोगों को सबको अभी। तो हर्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेटा। चलो इधर आओ बेटा, हर्षी मंच के ऊपर भेजो, इसको दौड़ के आओ। तो सच में भाई कल तो मैंने ध्यान से नहीं देखे थे, अब मैं देख रहा हूँ, उठ जा बेटा। अब इसके सच में कोई एक दो कोई ढूंढने से कोई बाल सफेद मिल सकता है? पूरे बाल इसने काले कर लिया और अब और हेल्दी हो जाएंगे। इसको एडवांस वाला तेल देना भाई। अब 100 साल तक अब इसके बाल, माने जब ये 80 साल की हो जाएगी तब भी मैं मिलूंगा, धरती पर रहूंगा। ये केश कांति, ये इसकी तो खुद भी ब्रांड एम्बेसडर हो गई है, और थोड़ा सा इसको पिंपल्स आ गए थोड़े, अभी ये बच्चों को आ जाते हैं इस उम्र में ना, 15 से 25 के बीच में बहुत पिंपल्स आते हैं। तो कांति लेप लगा लेना बेटा, कांति लेप लगाना एलोवेरा के साथ, और आंवला एलोवेरा पीते रहना और पानी ज़्यादा पीना। और जिनको भी बच्चों के पिंपल्स रिंकल्स आते हैं वो सुबह सर्वकल्प और कायकल्प और पी लें, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, सर्वकल्प कायकल्प थोड़ा पी लेना, तो पेट पेट की गर्मी से आते, पित्त की गर्मी से, तो लीवर और आंते आदि अच्छे रहेंगे और खुश रहना बेटे जा। ये हर्षि एक इसने एक नया रास्ता दिखा दिया, बहुत बच्चों के 10-12-15 साल के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं जिनके बाल ऐसे ही सफ़ेद निकल आते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं जी क्या करें। तो ये रास्ता बता दिया इसने, 10-10 मिनट कपाल भाती अनुलोम मिलो और आंवला एलोवेरा गिलो, जाओ बेटा खुश हो।
मैंने बहुत से कैंसर पेशेंट्स का देखा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय। अब इसका एक और अभ्यास सुन लो। मेरे पास सैकड़ों कैंसर के रोगी आए, क्यूमो के बाद उनके बाल झड़ चुके थे। अब बाल झड़ गए तो वो क्यूमो के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, और कैंसर के बाद दोबारा कैंसर की संभावना रहती है। 90% लोगों को रिकरेंस होता है। ये सैकड़ों लोगों का अनुभव बता रहा हूं। मुझसे कहा लोगों ने, स्वामी जी हमारे बाल पूरे झड़ गए थे और हथेली की तरह हो जाती है ये टांट पूरी, लोक भाषा में टांट बोलते, पूरी टांट जो है वो हथेली जैसी हो जाती है, सिर बाल खत्म। अब नए बाल आ गए, वैसे भी आ जाते हैं थोड़े, तो पूरे तो नहीं आते, थोड़े आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और नीम इसका जूस पिया, उनके 90% लोगों के काले बाल आए 60-70 साल की उम्र में। ये आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा जो मैंने देखा लोगों के सामने। तो आंवला, एलोवेरा और गिलोय, अब इसमें तीन का तो पक्का है, तुलसी और नीम की कितनी भूमिका है मुझे पता नहीं, क्योंकि आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो यहां से भी प्रमाणित हो रहा है, हर्षी से भी और कैंसर वालों से भी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पिया और कैंसर वाले क्यूमो के बाद पूरे बाल झड़ गए थे 70-80 साल की, 50-60-70 की उम्र में भी काले बाल आ गए। इसका मतलब आंवला, एलोवेरा और गिलोय से बाल काले आते हैं और होते हैं, और कम से कम 50-60-70 साल तक तो होंगे ना, और 70 साल के बाद तो भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी के हो जाए, तो थोड़े उम्र दराज दिखोगे। बस सभी अच्छे नहीं लगते, सबको थोड़ा बाल थोड़े काले काले रहते हैं, तो सबको ऐसा लगता है मैं अभी जवान हूं।